अध्याय 12 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। बच्चों, आज हम अधिनायक तंत्र क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं अधिनायक तंत्र क्या है? अधिनायक तंत्र शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के शासन के लिए किया जाता है जो किसी देश की सत्ता पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। शासक सेना का समर्थन प्राप्त करता है और अपने विरोधी राजनीतिक दलों को समाप्त करता है और केवल एक ही सत्ता को स्थापित करता है। शासक की इच्छा और उसकी आवश्यकता ही कानून का आधार होता है। शासक के द्वारा लिया गया निर्णय ही उनका न्याय होता है, यानी शासक सारी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह एक व्यक्ति की मनमानी का शासन है।